आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अपना राजस्थान यूनिवर्सिटी का सॉल्व पेपर है। ये 2013 का विभक्त गणित का सॉल्व पेपर है, ये पढ़ना है हमको। तो इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन ये लेते हैं। ये आया था 2013 का क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि जी बराबर 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, जहाँ आयोटा बराबर √-1 एक आवेली समूह है। संक्रिया डॉट के लिए हमारे पास जो संक्रिया दी गई है वो डॉट दी गई है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गुणन या डॉट संक्रिया के लिए सारणी बनाते हैं। जो सारणी होती है वो इस तरह से बनाते हैं। हम जी के जो अवयव होते हैं वो एक रो वाइज लिख लेते हैं और कॉलम वाइज लिख लेते हैं। ये लिख लिया हमने 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई इनसे करने पे यही आएगा 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। इसी तरह -1 का मल्टीप्लाई करने पे -1 1 माइनस आयोटा आयोटा, आयोटा का मल्टीप्लाई 1 से करने पर आयोटा, इसी तरह -1 से माइनस आयोटा, आयोटा से आयोटा -1 एंड आयोटा का -1 से माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने पे 1। इसी तरह -1 का हमने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया है, -1 का ऐसे मल्टीप्लाई करके माइनस आयोटा आयोटा 1 माइनस 1। अब हम प्रूव करते हैं कि ये जो अपने पास दिया हुआ जो समुच्चय है वो अपने पास आवेली ग्रुप है। इसको ग्रुप प्रूव करने के लिए हमारे पास हमें क्या क्या प्रूव करना होगा। हमें पहले सबसे पहले संवृत नियम प्रूव करना होगा। संवृत नियम क्या होता है? जी बराबर हमारे संवृत नियम प्रूव करने के लिए जी बराबर 1 आयोटा माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा के गुणन के लिए संवृत नियम पालन होता है, क्योंकि सारणी के सभी अवयव जी में हैं। मतलब सारणी जो हमने बनाई थी इसके सभी अवयव जी में हैं। इसका मतलब यह है कि हमने जो संवृत नियम यह कहता है कि अगर समुच्चय के किसी दो का मल्टीप्लाई किया जाए, जैसे गुणन संक्रिया या गुणन डॉट संक्रिया के साथ मतलब मल्टीप्लाई किया जाए, तो उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो उसी में आना चाहिए जी में। तो वो जी में जी के अवयव ही हैं। तो ये आ गया अपने पास, ये संवृत नियम पालन हो गया। अब सहचार्य नियम, सहचार्य नियम क्या कहता है? समुच्चय जी के गुणन के लिए सहचार्य नियम पालन होता है, क्योंकि इफ ए बी सी बिलोंग्स टू जी, मतलब कोई भी ए बी सी इनमें से 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा इनमें से ये कोई हमने ये ले लिया, कोई आयोटा ले लिया, कोई माइनस आयोटा ले लिया। अब हम इनका मल्टीप्लाई करें, इनका मल्टीप्लाई करें ए डॉट बी डॉट सी और ए बी डॉट सी, इस तरह से हम इनका मल्टीप्लाई करें। तो हम किन्हीं भी दो तीनों का ले सकते हैं। जैसे 1 माइनस 1 एंड आयोटा हमने ले लिया, तो 1 इंटू -1 -1 आ गया, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा आ गया। इसी तरह अब हम ये करें, जैसे 1 का 1 और नहीं सॉरी 1 को छोड़ के माइनस आयोटा एंड आयोटा कर लें, तो आ जाता है अपने पास माइनस आयोटा एंड फिर 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर माइनस आयोटा, वही अपने पास सेम आ गया। अब आता है अपने पास तत्समक नियम। सारणी से स्पष्ट है कि तत्समक जी में तत्समक अवयव है। अब सारणी से स्पष्ट कैसे हो रहा है हम ये देखते हैं। सारणी में जैसे हम ये देखते हैं तत्समक अवयव क्या होता है, कि जी में कोई ऐसा अवयव मिल जाएगा हमारे पास कि उससे मल्टीप्लाई करने पे जो जी के अवयव है वो जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही आएगा। जैसे हम 1 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं 1 आता है, -1 से -1 करता है आता है, 1 का आयोटा से करते हैं तो आयोटा ही आता है, 1 का माइनस आयोटा से करते हैं तो माइनस आयोटा आता है। तो इसके लिए 1 हमारा तत्समक अवयव है सारणी के लिए। अब आता है अपने पास प्रतिलोम अवयव। जी के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, क्योंकि अपने पास 1 का प्रतिलोम हम देख सकते हैं 1 है, क्योंकि प्रतिलोम अवयव क्या कहता है कि अगर हम सारणी के एक अवयव का मल्टीप्लाई किसी दूसरे अवयव से करें और जो अवयव अपने पास है तीसरा अवयव जो आएगा अपने पास वो अपने पास तत्समक अवयव आए। तो तत्समक अवयव क्या है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, तो ये हो गया अपने पास 1। -1 का मल्टीप्लाई -1 करने पे 1 आता है, तो -1 अपने पास क्या हो गया, -1 का प्रतिलोम -1 हो गया। आयोटा का मल्टीप्लाई माइनस आयोटा से करने पे 1 आता है, तो आयोटा का प्रतिलोम माइनस आयोटा हो गया। इसी तरह माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा से करने पे अपने पास 1 आता है, तो माइनस आयोटा का प्रतिलोम आयोटा हो गया। इस तरह अपने पास ग्रुप तो अपने पास प्रूव हो गया, लेकिन अब आवेली ग्रुप प्रूव करना है। आवेली ग्रुप प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं,
उसको हम क्रमबिन में नियम का पालन कराना होता है। क्रमबिन में तक सारणी से हम कैसे क्रमबिन में तक देख सकते हैं, सारणी के मुख्य अवयव विकर्ण के सापेक्ष सममित हैं, अतः ये एक आवेलिक रूप है। हम देख सकते हैं कि सारणी है ये, जिसका इसका विकर्ण ये है, ये इसका विकर्ण है। जैसे माइनस वन माइनस वन, माइनस आयोटा सॉरी आयोटा आयोटा, माइनस आयोटा आयोटा, इसी तरह माइनस आयोटा, ये इसके दोनों तरफ से सममित है। मतलब हम इसको यूँ देखें, रो वाइज देखें या कॉलम वाइज देखें, सेम आता है अपने पास। सममित का मतलब अगर जैसे इसको हम एक वो मान लेते हैं मैट्रिक्स, तो ए और ए ट्रांसपोज ये दोनों इक्वल आएंगे तो ये सममित है अपने पास। इस तरह हमारे पास पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दूसरा क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए कि m प्लस एन रूट टू, जहाँ m एंड n दोनों जेड से हैं। इस प्रकार की जो वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है m प्लस n, क्योंकि सभी वास्तविक हैं, कि वास्तविक संख्या को समुच्च योग तथा गुणन संक्रिया के लिए वलय है। अब हमें इसे वलय प्रूव करना है, जहाँ जेड पूर्णांकों का समुच्चय है। अब वलय प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या प्रूव करना होगा वो देखते हैं। माना आर बराबर, ये अपने पास कोई ये दे दिया, अपने सेट्स मान लिए जहाँ एम एंड एन जेड से बिलोंग कर रहे हैं, ये कोई सेट है अपने पास। अब संवृत नियम योग तथा गुणन के लिए हम दोनों के लिए प्रूव करते हैं। तो पहले हम इनके दो अवयव मान लेते हैं, आर के कोई भी दो अवयव हैं, एम वन प्लस एन वन रूट टू और एम टू प्लस एन टू रूट टू, जहाँ एम वन एम टू एन वन एन टू सभी जेड से बिलोंग करेंगे। तो हम अब इनको दो को जोड़ देते हैं। जैसे ये हमने इसका सम कर दिया, एम वन प्लस एन वन रूट टू प्लस एम टू प्लस एन टू रूट टू, तो एम वन प्लस एम टू यहाँ आ जाएगा, प्लस एन वन एन टू और जो रूट टू कॉमन लेके बाहर कर दिया, तो एम वन प्लस एम टू क्या होता है जेड, और एन वन प्लस एन टू भी जेड होगा, क्योंकि दो पूर्णांकों का सम हमेशा पूर्णांक होता है। तो इस तरह से आ गया अपने पास, ये अपने पास एम वन एम टू बिलोंग्स टू जेड कर रहा है, तो एन वन एम टू बिलोंग्स टू जेड कर रहा है, तो अपने पास ये जो होगा एम वन प्लस एम टू एंड एन वन प्लस एन टू रूट टू, ये अपने पास आर से बिलोंग करेगा। और इसी तरह हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो एम वन प्लस एन टू रूट टू डॉट एम टू प्लस एन टू रूट टू मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर एम वन एम टू एम वन एन टू रूट टू एन वन एम टू रूट टू और टू एन एन वन एन टू ये आ गया। तो टू एन वन एन टू क्या है, दो पूर्णांकों का मल्टीप्लाई हमें पूर्णांक होता है, तो ये पूर्णांक एक साथ लिख लिया हमने इसको, ये दोनों को, और इनमें रूट टू ये एम वन एन टू ये पूर्णांक है, एन वन एन टू पूर्णांक है, लेकिन रूट टू कॉमन लेके बाहर कर दिया, तो इसे ये भी बिलोंग्स टू जेड कर रहा है, ये भी बिलोंग्स टू जेड कर रहा है, और ये रूट टू है। तो इसी फॉर्म में अपने पास जो फॉर्म थी ये इसी फॉर्म में एम प्लस रूट टू एन, तो ये भी अपने पास जेड से बिलोंग करेगा, क्योंकि एम वन एम टू प्लस टू एन वन एन टू बिलोंग्स टू जेड, एम वन एन टू प्लस एन टू एम टू बिलोंग्स टू जेड, तो अपने पास ये हो गया आपकी जो मल्टीप्लाई डॉट के साथ जो संक्रिया लगाई है वो भी आर में है। अब आता है अपने पास साचार्यता। साचार्यता योग व गुणन दोनों के लिए हम साचार्यता प्रूव करते हैं। साचार्यता के लिए हम क्या कर सकते हैं, आर का प्रत्येक अवयव, अभी हमने एक स्टेटमेंट दे दिया है, आर का प्रत्येक अवयव वास्तविक संख्याओं के लिए हम जानते हैं कि नहीं, हम जानते हैं कि आर का जो प्रत्येक अवयव होता है वो वास्तविक संख्याओं के लिए साचार्य होता है। तो आर का प्रत्येक अवयव वास्तविक संख्या है, एवं हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं साचार्य योग तथा गुणन के लिए होती है, अतः आर का आर जो अपने पास है वो भी योग तथा गुणन के लिए साचार्य होगा। अब तत्समक अवयव का देखते हैं, हम तत्समक अवयव योग के लिए देखना होता है हमें, क्योंकि हम वलय प्रूव कर रहे हैं, तो तत्समक अवयव डॉट के लिए हम नहीं देखेंगे। तत्समक अवयव देखते हैं, तो ये जीरो प्लस जीरो रूट टू बिलोंग्स टू आर, हमने ये ले लिया, क्योंकि जीरो बिलोंग्स टू जेड है, जीरो और ये जीरो बिलोंग्स टू जेड है, तो जीरो प्लस जीरो रूट टू भी आर में होगा। सो एम वन प्लस एन रूट टू, एम वन प्लस एन रूट टू कोई भी अवयव है उसका, प्लस जीरो रूट टू बराबर एम वन प्लस एन रूट टू आएगा। इसी तरह इसके लेफ्ट हैंड से हम सम करें, जीरो प्लस जीरो रूट टू प्लस एम वन प्लस एन रूट टू, तो भी ये एम प्लस एन रूट टू आते, अतः जीरो प्लस जीरो रूट टू तत्समक अवयव हो गया इसका। अब लेते हैं प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व के लिए योग के लिए देखना होता है हमें सब,
जैसे एम प्लस एन रूट टू कोई आर से बिलोंग कर रहा है, तो एम एंड एन दोनों जेड हैं, तो माइनस एन भी जेड होगा, क्योंकि क्योंकि पूर्णांक पूर्णांक है, एम पूर्णांक है, तो माइनस एम भी एक पूर्णांक होगा। तो एम माइनस एन रूट टू ये भी आर से बिलोंग करेगा। अब इन दोनों का हम सम कर देते हैं तो जीरो प्लस जीरो रूट टू जो कि तत्समक है वो आ जाता है। तो हमने कोई भी अभी अब अपने पास एम का इस फॉर्म में होगा एम प्लस एन रूट टू, तो उसका प्रतिलोम इस तरह का होगा एम माइनस एन रूट टू। सो आर के प्रत्येक अवयव का अस्तित्व आर में विद्यमान है। इसी तरह हम लेफ्ट हैंड की साइड से हमने सम करके ये ला सकते हैं, ये हो गया अपने पास। अब हम करते हैं योग क्रम भिन्नता। योग क्रम भिन्नता प्रूव करने के लिए एम वन प्लस एन वन रूट टू बिलोंग्स टू आर, एम टू प्लस एन टू रूट टू बिलोंग्स टू आर। क्योंकि एम वन प्लस अब इनको हम सम कर देते हैं इनका, तो वो जाता है अपने पास ये दो अवयव इनका सम कर दे, तो एम वन प्लस एम टू प्लस एन वन प्लस एन टू रूट टू। अब चूँकि एम वन प्लस एम टू जेड से हैं, तो एम जेड जेड क्या होता है वो क्रम में होता है, तो उसको हम एम टू प्लस एम वन लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया हमने इस तरह। इसी तरह एन वन प्लस एन टू लिख सकते एन टू प्लस एन वन लिख सकते हैं, तो उसको हमने क्रम चेंज करके लिख दिया। क्रम चेंज करके लिखने के बाद ये आ जाएगा एम टू प्लस एम वन प्लस एन टू प्लस एन वन रूट टू, तो ये आ गया एम टू प्लस एन टू रूट टू प्लस एम वन प्लस एम टू रूट टू। इस तरह हमने इसका जो योग था हमने वो किया था, उसका क्रम बिन में आ गया। सो योग क्रम बिन में। अब गुणन के योग पर बंटनशीलता, इसके लिए हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्च में गुणन तथा योग संक्रिया के लिए बंटन गुणधर्म सत्य है। तो आर में भी इसलिए आर में भी बंटन गुणधर्म सत्य होगा, क्योंकि आर क्या है, आर अपने पास एम प्लस एन रूट टू इस तरह की वो वास्तविक संख्या ही है। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है वास्तविक संख्या संख्यांक फलन ए आर के संगत जनक फलन ज्ञात करना है, जहाँ ए आर बराबर दे रखा है थ्री की पावर आर एंड माइनस थ्री की पावर आर। थ्री की पावर आर है यदि आर सम है, और माइनस थ्री की पावर आर है यदि आर विषम है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो दिए गए संख्यांक फलन के संगत अनुक्रमांक अनुक्रम लिखते हैं पहले, जो r बराबर जीरो पर थ्री की पावर जीरो, r बराबर वन एक विषम हो जाती है माइनस थ्री की पावर वन, और थ्री स्क्वायर इससे माइनस थ्री क्यूब इससे ऐसे सम विषम के फॉर्म में लिखते जाते हैं। तो अपने पास अनुक्रम होता है वो आ जाता है अपने पास वन माइनस थ्री, थ्री स्क्वायर माइनस थ्री का क्यूब प्लस थ्री थ्री फोर का जनक फलन। अब इसका जनक फलन ज्ञात करना होता है, ये हमारे पास अनुक्रम प्राप्त हो गया है। इसका जनक फलन क्या जीएस करने के लिए हम क्या करते हैं, वन माइनस जो ये वन जो प्लस ये जो भी अवयव है उसका माइनस उसका प्लस में मल्टीप्लाई करके ये माइनस थ्री एक्स आ जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये वन माइनस थ्री एक्स हो जाएगा। इस तरह प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स क्यूब ये हो जाता है। तो हम ये देख सकते हैं जो प्रसार होता है ये किसका होता है, वन प्लस थ्री एक्स का इनवर्स का प्रसार होता है, इसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन वन प्लस थ्री एक्स। अतः दिए गए संख्यांक फलन ए आर का जनक फलन जी एक्स बराबर क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस थ्री एक्स प्राप्त होता है अपने पास। अब अपने पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है जनक फलन जी एक्स बराबर कोई जनक फलन दिया हुआ है अपने वन अपॉन फाइव माइनस सिक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर के संगत संख्यांक फलन ज्ञात करना है। अब ये संख्यांक फलन ज्ञात करने के लिए हम सॉल्यूशन करते हैं, जी जेड बराबर क्या है, वन अपॉन जेड माइनस सिक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जेड माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस फाइव। तो इसका हम आंशिक भिन्न से हम इसको खोल सकते हैं, तो आंशिक भिन्न से खोलने पर आ जाता है वन अपॉन फोर वन माइनस जेड माइनस वन अपॉन फोर फाइव माइनस जेड। अब वन अपॉन फोर वन माइनस जेड लिख दिया, इसमें से हमने फाइव कॉमन ले लिया, तो वन माइनस वन अपॉन ट्वेंटी वन अपॉन वन माइनस जेड अपॉन फोर ये आ गया, ये आ गया वन अपॉन फोर वन माइनस जेड पर माइनस वन एंड माइनस वन अपॉन ट्वेंटी वन अपॉन जेड की पावर फाइव जेड अपॉन फाइव की पावर माइनस वन। और ये इसका हम जब इसका प्रसार करते हैं तो ये आ जाता है अपने पास वन अपॉन फोर जेड की पावर आर, क्योंकि ये होता है इसका प्रसार होता है वन माइनस जेड का होता है वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यू, यहाँ पर आर बराबर जीरो वन टू थ्री इस तरह से चलते जाएंगे। इसी तरह इसका आ जाता है माइनस वन अपॉन ट्वेंटी, इसका आ जाता है वन माइनस जेड अपॉन फाइव का, जैसे वन जेड अपॉन फाइव प्लस जेड अपॉन फाइव का होल स्क्वायर प्लस जेड अपॉन फाइव का होल क्यू, इस तरह से चलता जाता है इसका प्रसार। तो ये हमने ये इस तरह से आ गया। अब हमने जेड इसका हमें संख्यांक फलन ज्ञात करने के लिए जेड बराबर वन लिखना होगा, संख्यांक फलन ज्ञात करने के लिए जेड बराबर वन लिख दिया, तो ये आ गया वन अपॉन फोर
वन की पावर आर माइनस वन अपॉन ट्वेंटी वन अपॉन फाइव की पावर आर। हमने वन अपॉन फोर कॉमन ले लिया तो आ गया वन अपॉन फोर वन की पावर आर माइनस वन अपॉन फाइव आर प्लस वन, क्योंकि आर प्लस वन इस तरह से आ गया कि वन अपॉन फाइव इंटू वन अपॉन फोर है, तो ये वन अपॉन फाइव का एक बार और मल्टीप्लाई होगा तो ये वन अपॉन फाइव की पावर आर प्लस वन हो जाएगा। ये हुआ इस तरह से, तो ये आ गया वन अपॉन फोर। ये अपने वन की पावर आर, आर बराबर कुछ भी हो, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव समथिंग कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू वन आएगी, तो ये वन लिख दिया माइनस वन अपॉन फाइव, और ऊपर वाले के वन के लिए यही होगा, वन ही होगा हमेशा, तो ये घात ये अपने पास पावर नीचे आ गई आर प्लस वन। ये जो अपने पास आया ये जो दिए गए फलन का फलन जो दिए गए जो फलन है जनक फलन का सांख्यिक फलन अपने पास ये आ चुका है, दिए गए जनक फलन का सांख्यिक फलन है ये अपने पास। अब हम ये क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन है पुनरावर्ती संबंध ए एन बराबर दिया हुआ है माइनस थ्री ए की पावर एन माइनस वन माइनस थ्री ए एन माइनस टू माइनस ए एन माइनस थ्री का हल ज्ञात करना है, जबकि ए जीरो बराबर फाइव दिया हुआ है, ए वन बराबर माइनस नाइन एंड ए टू बराबर फिफ्टीन दिया हुआ है। दिए गए संबंध में निम्न प्रकार को लिख सकते हैं, निम्न प्रकार को लिख सकते हैं, जैसे इसको हम इधर ले आए तो ए एन प्लस थ्री ए एन माइनस वन प्लस थ्री ए एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। अब इसके संगत जो अभिलाषण समीकरण होगा वो इस तरह से होता है, पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं, जैसे सबसे कम वाले को हम वन उसके हम पावर एल्फा लिखते हैं, लेकिन एल्फा की पावर जीरो, फिर एल्फा की पावर वन, एल्फा की पावर टू एंड एल्फा की पावर थ्री, इस तरह से हम लिखते जाते हैं, और जो कॉन्स्टेंट होते हैं उनको हम साथ में लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं वन थ्री एल्फा, थ्री एल्फा स्क्वायर एल्फा क्यू, ये लिख दिया। इसके बाद हमने इसका ये हम देख सकते हैं एल्फा क्यू प्लस थ्री एल्फा स्क्वायर प्लस थ्री एल्फा प्लस वन क्या है, बस एल्फा वन का होल क्यूब है, तो एल्फा के अपने पास जो रूट्स प्राप्त हो गए वो हो गए अपने पास माइनस वन माइनस वन माइनस वन। अतः पुनरावृत्ति संबंध का जो हल होगा वो इस तरह से होगा सी वन प्लस सी टू एन प्लस सी थ्री एन स्क्वायर एंड माइनस वन का पावर ओन एन, इस तरह से इसका हल होगा। अब हमने एन बराबर जीरो रख दिया तो ये एन बराबर ये अपने पास एन बराबर सी वन प्लस सी टू एन प्लस सी एन सी थ्री एन का होल स्क्वायर। हमने इसमें ए बराबर एन बराबर जीरो रखा तो ए जीरो बराबर ये सब कट जाएंगे, ये सी वन ही आ जाएगा, तो सी वन बराबर आ गया अपने पास, ए जीरो बराबर क्या होता है फाइव, तो सी वन बराबर फाइव आ गया। अब हमने एन बराबर टू रख दिया, अब एन बराबर टू सॉरी एन बराबर वन रख दिया, तो एन बराबर वन रखने पर ए वन बराबर आ गया फाइव, फाइव तो अपने पास सी वन की वैल्यू है प्लस सी टू प्लस सी थ्री, क्योंकि वन यहाँ लिखेंगे वन यहाँ लिखेंगे तो वो वन ही रह जाएगा, माइनस वन का मल्टीप्लाई हो गया, तो इसे इसको सॉल्व करने पर आ गया अपने पास सी सी टू प्लस सी थ्री इक्वल टू फोर, क्योंकि जैसे फाइव है ये नाइन है इसकी वैल्यू इधर ले गए हम इसको, तो ये फोर आ जाएगा, तो सी वन प्लस सी सॉरी सी टू प्लस सी थ्री इक्वल टू फोर आ गया, ये माइनस नाइन थी जो माइनस से वो मल्टीप्लाई हो गया आ गया। अब हमने एन बराबर टू रख दिया, देन इक्वेशन फर्स्ट से ये टू रख दिया तो ए टू बराबर आ गया सी वन प्लस टू सी टू प्लस टू सी थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर। अब हमने सी वन की वैल्यू रख के और सी वन और ए टू की वैल्यू रख के जो सॉल्व किया तो आ गया अपने पास टू सी टू प्लस फोर सी थ्री इक्वल टू टेन। अब इक्वेशन टू और थ्री से हम क्योंकि दो अननोन है और दो इक्वेशन है अपने पास, हमको आराम से सॉल्व करके सी टू बराबर थ्री निकाल लिया, सी थ्री बराबर वन निकाल लिया, तो अपने पास जो सॉल्यूशन आया वो आ गया अपने पास। अतः समीकरण एक से समीकरण एक क्या था सी वन प्लस सी टू एन प्लस सी थ्री एन स्क्वायर क्वेश्चन के बाद माइनस वन के पावर एन, तो वो उसमें वैल्यू रख दी हमने सी वन सी टू सी थ्री की, तो ये आ गया फाइव प्लस थ्री एन प्लस एन स्क्वायर माइनस वन की पावर होल एन क्यू, ये आ गया। अब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर ये लेते हैं जो अपने पास 2013 में आया है अपने पास, ये क्वेश्चन है अपने पास निम्न को परिभाषित कीजिए। परिभाषित करने के लिए हमें क्या परिभाषित करने के लिए क्या क्या पूछा है, पथ आयलर ग्राफ बहुग्राफ भारत ग्राफ एवं समतलीय ग्राफ, ये पूछा है। अब सबसे पहले हम पथ क्या किसे कहते हैं, पथ क्या होता है, ग्राफ जी में एक ऐसा वॉक जिसमें किसी भी शीर्ष की पुनरावृत्ति अनुमेय नहीं हो एक पथ कहलाता है, मतलब कि हम कोई ग्राफ जी दिया हुआ होगा उसमें से हम एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पर जाएंगे या एक शीर्ष से किसी दूसरे किसी एनवे शीर्ष पर जाएँ, तो उसके लिए हमें पथ की शीर्ष की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो इस तरह से अपने पास एक हम जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, ये ग्राफ ले लिया हमने ये वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव वी सिक्स वी सेवन, ये आ गया अपने पास। अब इसके लिए हम पथ निकालते हैं वी वी वन से वी सेवन तक जाने के लिए, तो पथ हो सकते हैं वी वन से वी टू पर जाए वी थ्री पर जाए फिर वी फोर पर जाए फिर वी फाइव पर जाए फिर वी सिक्स पर जाए, वी सिक्स पर जाने के दो रास्ते हैं अपने पास ई फाइव एंड ई सिक्स,
इसे किसी से भी जा सकते हैं लेकिन एक से जाना है हमें, उसके बाद E7 पे जाएं। इस तरह से हमारे पास दो पथ आ गए। इसके पास जैसे V1 E1 E2 सॉरी V1 E1 V2 E2 V3 V3 से फिर V4 पर गए E3 की हेल्प से, V4 से V5 पे गए E4 की हेल्प से, V5 से B6 पर गए E5 की हेल्प से एंड V6 से V7 पर गए E7 की हेल्प से। इसी प्रकार हम जा सकते हैं V1 से V2 पर जाए E1 की हेल्प से, V2 से V3 पर जाए E2 की हेल्प से, V3 से V4 पर जाए E3 की हेल्प से, V4 से V5 पर जाए E4 की हेल्प से, या V5 से B6 पर इसकी हेल्प से जा सकते हैं, इस तरह V6 से V7 के पर जा सकते हैं। ये दोनों अपने पास पथ हैं। अब आता है अपने पास आयलर ग्राफ। आयलर ग्राफ क्या होता है? यदि ग्राफ जी में कोई परिपथ इस प्रकार से हो कि जी के प्रत्येक कोर उपस्थित हो, उसमें जी की प्रत्येक कोर उपस्थित होनी चाहिए, तो ऐसा परिपथ आयलर ग्राफ कहलाता है। तथा ऐसा परिपथ आयलर परिपथ कहलाता है एवं ऐसा ग्राफ आयलर ग्राफ कहलाता है। मतलब वो जो आयलर ग्राफ होगा वो पथ तो होगा, साथ में उसकी उसकी प्रत्येक कोर भी आ रही होगी, जो प्रत्येक कोर आ रही होगी। इस तरह से जो ग्राफ बनेगा वो अपने पास आयलर ग्राफ कहलाएगा। अब आता है अपने पास बहुग्राफ। यदि किसी ग्राफ में समांतर कोर विद्यमान है तो ऐसा ग्राफ बहुकोर ग्राफ कहलाता है। मतलब कि उसमें एक ही दो शीर्षों के मध्य एक से ज़्यादा कोर विद्यमान होंगी, तो ऐसा जो ग्राफ होगा वो बहुग्राफ कहलाएगा। उसके बाद आता है अपने पास भारित ग्राफ। भारित ग्राफ किसे कहते हैं? भारित ग्राफ फ्रेंड, यदि किसी ग्राफ में समांतर कोर विद्यमान है, सॉरी बहुग्राफ बता लगे तुम, भारत ग्राफ कहते हैं। ग्राफ कोई जी भी भारत ग्राफ कहलाता है यदि कोरों का समुच्चय ई को एक धनात्मक वास्तविक संख्या WE से संबंधित किया जा सके, जहां WE को कोर ई का भार कहते हैं, भारत ग्राफ कहलाता है। प्राय जी बराबर VE, जी को हम जो नोट करते हैं वो करते हैं GEMW से निरूपित करते हैं। उसके बाद आता है अपने पास समतलीय ग्राफ। समतलीय ग्राफ क्या होता है फ्रेंड्स? यदि ग्राफ जी को एक ऐसे तल पर इस प्रकार आरेखित किया जाए, कोई एक तल में इस प्रकार आरेखित किया जाए कि उसे कोई भी दो कोरे परस्पर प्रतिच्छेदित ना हो, तो ऐसा ग्राफ जी एक समतलीय ग्राफ कहलाता है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन, ये 2013 का क्वेश्चन है यूनिट 4 का। किसी संबद्ध समतलीय ग्राफ के लिए सिद्ध कीजिए कि V-E+R=2, जहाँ VE तथा R ग्राफ के क्रम से शीर्ष कोर तथा क्षेत्रों की संख्या है। ये अपने पास कोई थ्योरम दी हुई है कि मतलब कोई संबंध समतलीय ग्राफ है उसमें V-E+R=2 हमें प्रूव करना है, हमेशा ये होता है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत की हेल्प लेते हैं। इस प्रमेय को हम गणितीय आगमन सिद्धांत से स्पष्ट करेंगे। यदि ग्राफ जी में केवल एक ही कोर हो, पहले हम सिंपली एक कोर के लिए चेक करते हैं। अगर उसमें एक ही कोर है तो इसको V1+V2 से जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो कोर शीर्ष हैं अपने पास 2 हो गए। R क्या है? एक ही अपने पास पूरा, और E बराबर क्या है? 1, तो 2-1+1=2। अब कथन हमारे n बराबर 1 के लिए सत्य है, k बराबर 1 के लिए कह सकते हैं, जो कोर है अपने पास उसके लिए एक के लिए सत्य है। अब हमने मान लिया उसमें k कोर हैं, तो k कोर के लिए हमने इसको सत्य मान लिया, तो k कोर के लिए सत्य मान ले पर यह अपने पास आ गया V-K+R=2। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब हम सिद्ध करना है कि यदि हम इसमें एक नई कोर जोड़ें तो भी ये कथन अपने पास सत्य रहेगा। अब हम ये सिद्ध करना है कि इसमें अगर कोई हम नई कोर जोड़ दें तो अपने पास जो कोरों की संख्या और इसको सम करें तो 2 ही आए। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इस कोर को किस तरह से जोड़ सकते हैं? यदि नई कोर एक लूप हो, हम नई कोर को एक लूप जोड़ें, तो इस स्थिति में कोरों की संख्या K+1 हो जाएगी, क्योंकि कोर एक हमने जोड़ी है वो K+1 हो गई। तथा शीर्षों की संख्या V ही रहेगी क्योंकि हमने लूप जोड़ा है उसमें इस तरह से। उसको हम एग्जाम्पल के साथ समझा देंगे बाद में। इस तरह से हमने जोड़ दिया तो क्षेत्रों की संख्या, क्षेत्र एक बढ़ जाएगा, वो R+1 हो जाएगा, तब V-K+1+R+1=1 से 1 कट जाएगा, तो V-K+R जो कि 2 के इक्वल है, ये हो गया। हम इसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अपने पास ये अपने पास कोई ग्राफ है V1 V2 V3 V4, यहाँ पे शीर्ष है 5 और कोर है अपने पास 4,
और आर क्या है, वन ओनली, ये पूरा आर है, तो ये 5 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ गया। अब हमें इसमें एक लूप जोड़ दिया, अब इसमें हमने एक लूप जोड़ दिया, तो उसके बाद क्या आ जाता है अपने पास, हमने ये लूप जोड़ा है इसमें वी वन पर जोड़ दिया, तो इस शीर्ष जो क्षेत्र बन गए अपने पास वो एक ये हो गए, ये को लूप के अंदर वाला क्षेत्र हो गया, दो क्षेत्र बन गए, और इस कोर कोर एक बढ़ गई इसमें, तो वी बराबर तो 5 ही है, ए बराबर 5 और आर बराबर 2, 5 माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 2, ये आ गया अपने पास। अब हम सिद्ध करते हैं कि यदि जो जोड़ी गई कोर है वो एक समांतर कोर है, तो यदि अपने पास जो नई कोर जोड़ी है वो समांतर कोर है, तो इस कंडीशन में अपने पास जो अपने पास आर होगा वो भी वो एक बढ़ जाएगा, क्योंकि जो समांतर कोरों के बीच में जो एक आर बनेगा वो एक अलग से जुड़ जाएगा, एवं ई भी एक बढ़कर हो जाएगा, क्योंकि हम कोर नहीं जोड़ रहे तो एक के प्लस वन हो जाएगा, तथा वी का मान परिवर्तित नहीं होता है, तो इस कंडीशन में वी माइनस के प्लस वन प्लस आर प्लस वन बराबर वी माइनस के प्लस आर, जो कि अपने पास 2 के इक्वल होता है, क्योंकि हमने इक्वेशन फर्स्ट में मान मान के चल रहे हैं। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये अपने पास वो था वी वन वी टू वी थ्री वी फोर, इसमें क्या 5 माइनस, शीर्ष कितने, शीर्ष 5 हैं, कोर कितने 4 एंड क्षेत्र कितना है 1, तो ये 2 आ गया। इसमें हमने फिर हम इसने समांतर कोर जोड़ दिया, इसमें ये वन एक समांतर कोर से इसमें एक ये एरिया बन गया, एक दो दो बन गए रीजन अपने पास, तो वी बराबर 5 है, ई बराबर 5 है, आर बराबर 2, 5 माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 2। अपने पास केस थर्ड लेते हैं, केस थर्ड क्या है, यदि के प्लस वन भी कोर एक नए शीर्ष के साथ हो, मतलब जो अपने पास नई एक कोर जोड़ रहे हैं वो नई शीर्ष के साथ है, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में आर का मान अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि जो अपने पास नई कोर जुड़ेगी और शीर्ष नहीं जुड़ेगा तो आर तो वही रहेगा अपने पास, क्योंकि आर दूसरा बनेगा ही नहीं, तो इस कंडीशन में वी जो हो जाएगा वी प्लस वन हो जाएगा, के बराबर के प्लस वन हो जाएगा, तो इस कंडीशन में ये आ जाएगा अपने पास वी प्लस वन माइनस के प्लस वन प्लस आर इक्वल टू बी माइनस के प्लस आर, जो कि 2 के इक्वल है। अब हमारे पास तीनों कंडीशंस में ये सेटिस्फाई हो गया, तो अपने पास ये इसका हम एग्जांपल से यहाँ पे एग्जांपल इससे प्रूव कर सक प्रूव देख सकते हो आप, तो हमारे पास ये सभी के लिए प्रूव हो गया, तो ये अपने पास थ्योरम प्रूव हो गई। इसी के साथ यहाँ हम लिख सकते हैं, चूँकि जो अपने पास थ्योरम है एन बराबर के प्लस वन के लिए भी सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा अपनी जो थ्योरम दी गई है ये सत्य है। अब ये क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन है यदि वी बराबर ए बी सी डी ई और ई बराबर ये दिए हुए हैं ए बी ए सी ए डी बी सी बी ई सी डी एवं सी ई हो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ का चित्र बनाइए, सेकंड है प्रत्येक शीर्ष की घात ज्ञात कीजिए, शीर्षों की संख्या कोरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कोरों की संख्या, और अगला है ग्राफ सिद्धांत के प्रथम प्रमेय का सत्यापन कीजिए। हम पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ बनाते हैं तो उसमें अपने पास शीर्ष कितने हैं ये देख लीजिए, वी वन ए बी सी डी ई, ये शीर्ष बना लेते हैं हम, ए बी सी डी ई, ये हमने इस तरह शीर्ष बना लिए। अब हम इसमें हम देखते हैं कोर कौन कौन सी हैं, एक है ए बी, एक ए बी के बीच में ये कोर है, डायरेक्टेड कोर है क्योंकि ए बी दिया हुआ है, उसके बाद ए सी, ये उसके बाद अपने पास ए डी, ये उसके बाद दिया हुआ है बी सी, बी सी ये, इसको हम यहाँ पे इस तरह शो कर सकते हैं कि ये इस तरह से जा रही है, इसके ऊपर होकर जा रही है बी सी, उसके बाद है अपने पास बी ई, जैसे बी ई ये इस तरह से जा रही है, उसके बाद है अपने पास सी डी, सी डी ये है अपने पास, उसके बाद अपने पास ए डी, सॉरी सी डी, सी डी हो गया अपने पास, उसके बाद अपने पास लास्ट बची है सी ई, सी एंड ई ये है अपने पास। तो अब ये हमने ग्राफ का चित्र हो गया, तो ये अपने पहले का सॉल्यूशन हो गया, ग्राफ का अपने पास चित्र बना दिया हमने, उसके बाद है प्रत्येक शीर्ष की कोटि ज्ञात कीजिए, प्रत्येक शीर्ष की कोटि हमें ज्ञात करनी है, इसके ज्ञात करने के लिए जैसे डिग्री ए प्लस डिग्री प्लस बी, सॉरी प्लस डिग्री प्लस सी, डिग्री प्लस डी, डिग्री प्लस ई, इस तरह डिग्री,
अब हमें इनकी डिग्री निकालनी है, तो ये हमने डिग्री ए प्लस डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री प्लस डी डिग्री प्लस ई डिग्री माइनस ए डिग्री माइनस बी डिग्री माइनस सी डिग्री माइनस ई डिग्री माइनस डी। और डिग्री प्लस ए का मतलब है जो ए पे आने वाली, ए पे आने वाली कितनी है, सॉरी ए प्लस का मतलब ए से जाने वाली, ए से जाने वाली कितनी है, यहाँ देख सकते हैं 1 2 3, तो इसके 3 हो गया। अब इसी तरह बी से जाने वाली कितनी है, बी से जाने वाली हमने इसमें डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन दिखाना भूल गए हम, सॉरी डायरेक्शन देख लेते हैं, बी एंड ई के बीच में कौन सी डायरेक्शन है, बी एंड ई ये डायरेक्शन है। इसी तरह सी एंड डी के बीच में, एक सी एंड ई के बीच में डायरेक्शन है, और ये सी एंड डी के बीच में भी डायरेक्शन है एक ये। तो अब देख सकते हैं हम बी से जाने वाली कितनी है, बी से जाने वाली 2 है, ये हो गया। इसी तरह सी से जाने वाली कितनी है, एक यहाँ से ये जा रही है, एक 2 जा रही है, 2 है। और डी से जाने वाली कितनी है, डी से स्टार्ट होने वाली एक भी नहीं है क्योंकि डी पे सभी आ रही हैं 0। इसी तरह ई पे भी 0, ये इनकी डिग्री हो गई। इसी तरह डिग्री माइनस ए मतलब जो डिग्री ए पे आ रही है कितनी है, 0। बी पे आने वाली 1, सी पे आने वाली, सी पे कौन कौन सी आ रही है, एक ही आ रही है, 2, 2 आ रही हैं। डिग्री माइनस डी बराबर क्या है, डी पे आने वाली कितनी है, डी पे आने वाली हम देख सकते हैं, डी पे एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, 2। और ई पे आने वाली कितनी है, 1 2, ई पे भी 2 आ रही हैं। इस तरह ये हो गया। अब कोरों की संख्या हम ज्ञात करते हैं, तो कोरों की संख्या क्या होती है, ये डायरेक्टेड ग्राफ है, तो डायरेक्टेड ग्राफ में कोरों की संख्या होती है डिग्री प्लस वी बराबर 7 बराबर डिग्री माइनस वी सम ऑफ बराबर 7। अतः ये बराबर 7, ये कोरों की संख्या आ गई। और कोरों की संख्या हम इससे भी निकाल सकते हैं कि टोटल जो डिग्री है वो 14 है, 7 प्लस 7, और अपॉन 2 कर सकते हैं, ये आ गया। अब हम ग्राफ सिद्धांत के प्रथम प्रमेय का सत्यापन करते हैं इसी इसके साथ सहायता से। तो ग्राफ सिद्धांत का प्रथम सिद्धांत क्या है वो लिख लेते हैं पहले। ग्राफ सिद्धांत के प्रथम प्रमेय के सत्यापन के लिए ग्राफ जी में उस जो ग्राफ प्रथम प्रमेय का प्रथम प्रमेय है ग्राफ सिद्धांत की, वो है ग्राफ जी में उसके सभी शीर्षों की कोटियों का योगफल ग्राफ में उपस्थित कोरों की संख्या के 2 गुना होता है। अर्थात जो उसके सभी शीर्ष की कोटियां है, सम ऑफ डिग्री वी बराबर 2e। अब हम इसमें देख सकते हैं इस ग्राफ में जो डिग्री कितनी है, डिग्री वी पे बी से जाने वाली 7 हैं, तो डिग्री सम ऑफ डिग्री वी क्या हो गया अपने पास, सम ऑफ डिग्री वी प्लस प्लस सम ऑफ डिग्री माइनस बी, डिग्री वी बराबर ये हो गया, ये अपने पास 7 प्लस 7 इक्वल टू 14। एवं कोर क्या है, कोर कितनी है अपने पास, या कोर हमने निकाल चुके हैं पहले, कोर बराबर है अपने पास ई बराबर 7, तो ये हो गया अपने पास ई बराबर 7, तो ये हो गया अपने पास 14 प्लस 2e, यानी 14 इक्वल टू 2e, ये अपने पास हो गया 2e बराबर 14, ये है। तो अपने पास जो प्रमेय थी वो इसका सत्य हो गई। थैंक यू फ्रेंड्स।